guys, hi, how are you all? I hope so you are doing well. My name is Mridul and you are watching my YouTube channel Learn English with British. So guys, today I am back with another new lesson. Aaj main aap log ke samne fir se ek naya lesson ke saath aaya hu aur aaj main aapko batane wala hu how to feel your feelings, how to express your feelings. So today we are going to discuss something, some words which you have been speaking for so long time. Kuch aise words jo aap pata nahi bahut dino se bol rahe honge, kuch aise words hain jo aap bahut dino se bol rahe hain. We need to improve. Hum logo isko upgrade karna hai, jaise apna apna mobile phone upgrade karte hain waise hum log, jaise aap software update karte hain waise hum logo ko apni vocabulary update karni hai. Word pe likha hua hai kuch, try this word. Yeah guys, of course ye kuch aise words hain jo aapki life mein include hain. Of course aap inko feel karte hain, kisi ke samne aap bolte hain. So we need to improve it and guys, let's get started. ठीक है, द फर्स्ट वर्ड इट्स रिटन हियर, हैप्पी. हैप्पी वर्ड सुनते ही मन में कुछ खुशी होने लगती होगी. हैप्पी वर्ड आप अक्सर यूज करते हैं लाइक डिफरेंट डिफरेंट प्लेस, अलग अलग जगह पर, किसी अपने फ्रेंड को देखकर, या फिर कुछ पैसे मिलकर, या फिर किसी का फोटो देखकर, कुछ फनी जोक्स देखकर, यू फील हैप्पी. एग्जैक्टली. सो ये वर्ड आप बोल रहे हैं बहुत पहले से. नाउ वी नीड टू इम्प्रूव इट. अब हम लोग को जो हमारा नया वर्ड है वो ट्राई करना है. एज यू आर सीइंग हियर, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लैड. या गाइस, बिल्कुल सही आपने बोला है. द फर्स्ट वर्ड इट्स योर ग्लैड. आपको बोलना है मैं बहुत खुश हूँ. यू कैन से आई एम ग्लैड टुडे. क्या बोले, मेरे साथ बोलिए प्लीज, आई एम ग्लैड टुडे. वेल पीपल, इसी के साथ में जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है, आप हैप्पी को और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छे से. सेकेंड वर्ड रिटन है यहाँ पर cheerful. Yeah guys, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने. It's called cheerful. फिर से बोलेंगे एक बार मेरे साथ में, cheerful. Well people, cheerful word use किया जाएगा when you are just really happy. जब आप marriage function में होते हैं या किसी family function में, when you attending the marriage function, family function, तो उस condition में आपको जो feelings होती है वो खुशी वाली होती है, right? So वहाँ बोल सकते हैं I'm cheerful. क्या बोलना है आपको, I'm cheerful. So जैसा कि आपने happy को देखा, like happy के साथ और भी word है पर glad and second word है आपका cheerful. Like this you can use more word. आप और ही word use कर सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है thrilled. Yeah guys, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने. आपको बोलना होगा thrilled. I'm thrilled today. Once more, फिर से बोलेंगे I'm thrilled today. Oh, well guys, so हमारा जो word है nervous. Nervous को आप explain कर सकते हैं कुछ another way में. इसमें सबसे पहला word है आपका restless. Yeah guys, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने. You have to say restless, not a restless. You have to say restless. Okay. Sometimes you feel nervous, then you explain I'm nervous. Many times you say I'm nervous, but you can say restless. Instead of restless you can say, आप इसके जगह पे बोल सकते हैं I'm uneasy today. आप ऐसे बोल रहे हैं आपको I'm uneasy. Well done guys. So हमारा जो थर्ड वर्ड है uneasy के बाद में, you can say I'm nervy. Yeah guys, बिल्कुल सुना आप लोग ने. I'm nervy. फिर से बोलिए एक बार I'm nervy. Let's focus the second word. जो हमारा next word है वो है हमारा worried. Means आप बहुत ही ज़्यादा चिंतित होते हैं, यार यार मेरे ऊपर इतना प्रेशर है, जॉब का प्रेशर है, एंड यू हैव टू गिव ईएमआई देनी है, होम लोन देना है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. यू वरीड, आप लोग यू आर वरीड दैट टाइम. आप वरीड होते हैं वहाँ पे. अब आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अलग अलग तरीकों में, जिसमें सबसे पहला वर्ड है आई एम अलार्म्ड टुडे. यस गाइस, आप लोग जब बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं यू कैन से आई एम अलार्म्ड. बिल्कुल सुना आप लोग ने. सेकेंड वर्ड पे हम लोग फोकस करेंगे, यू कैन से आई एम ट्रम्बलिंग. फिर से बोलिए एक बार आई एम ट्रम्बलिंग. ओके गाइस, इस तरह से आप इसको और एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छे से आई एम नैग्ड टुडे. क्या बोलना है आपको, आई एम नैग्ड. या गाइस, मुझे मैं बहुत नर्वस हूँ, आई एम नैग्ड. यू कैन से नेक्स्ट वर्ड हमारा जो है वो है आपका excited. Means when you are excited for your new job, when you are excited to achieve your first salary. Exactly guys, when you are excited to your second video and all. Jab aap excited hote hain kuch kaam ke liye, whatever you do you are excited, aap excited hote hain. Okay, then you have to say I am excited. But now you have many words jisme maine likha hua hai. Pehla word hai aapka electrified. Bilkul suno aap log ne, aap isko electrified nahi bolenge, you have to say electrified. Fir se boliye electrify. Well people, second word आप इसको और चीज बोल सकते हैं. You can say here I am animated. क्या बोलना है आपको, I am
animated. People, these are the words which are used, जो use होते हैं अब अच्छे language को बोलने के लिए, but हम लोगों के पास ये कुछ old words थे, आपको इसको update करना है. हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है एक्साइटेड जगह पर यू कैन से आई एम अपबीट. क्या बोलना है आपको? आई एम अपबीट. वेल पीपल, नेक्स्ट वर्ड, लेट्स फोकस हियर. नेक्स्ट वर्ड हम लोग फोकस करेंगे, या ये एक ऐसी फीलिंग है जो हर इंसान की लाइफ में इंक्लूड होती है. यार आज मैं बहुत दुख हूँ, यार क्या करूँ, मेरी जेब कट गई, आज मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है. सो यू कैन से आई एम सैड टुडे. या गाइस, यू हैव टू फील, यू हैव टू शो योर फीलिंग्स. आपको आपकी फीलिंग्स दिखानी होगी जब आप चेहरे से ऐसे बोलोगे आई एम सैड टुडे. या नो वन बिलीव, आपको बोलना होगा फीलिंग के साथ, यार आज मैं दुखी हूँ, आई एम सैड टुडे. ओके, वी कैन से सैड इंस्टेड ऑफ सैड. मेनी वर्ड्स, इसमें सबसे पहला वर्ड है आपका आई एम ब्लू. या बिल्कुल सुना आप लोग ने, आई एम ब्लू. डू नॉट से इन हिंदी मैं आज नीला हूँ, लोग हंसेंगे आप पे. यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश I'm blue today. Next, when someone is just being sad, जब कोई sad होता है, when someone is sad, you see, आप देखते हैं उनको और आपको feel होता है यार कितना दुखी है. So you can ask, why are you down today? आप क्यों इतना sad हो? Why are you down today? And next, you can also say, यार आज मैं बहुत depressed हूँ यार. I'm depressed. क्या बोलना है आपको? I'm depressed. बिल्कुल से सुना आप लोग ने guys. So make sure आपको pronunciation पे work करना है. You have to improve your pronunciation skills also. Now we have a last word. हमारे पास जो last word बचा हुआ है, it's called scared. Yeah guys, बिल्कुल से सुना आप लोग ने. आप इसको scared नहीं बोलेंगे. You have to say I'm scared. क्या बोलना है आपको? I'm scared. फिर से बोलिए guys. I'm scared. Well people, scared feeling you feel when you are alone at your home. बचपन में की यादें याद करें. जब अपने घर में अकेले रहते थे तो आप बोलते थे यार आज वो डर लग रहा है, आई एम स्केयर्ड. फिर से बोलो सब लोग, आई एम स्केयर्ड. बट नाउ वी नीड टू इंप्रूव इट. हम लोग को अब थोड़ा सा और कुछ नया सीखना है. यू कैन से आई एम पेट्रीफाइड. क्या बोलना है आपको? आई एम पेट्रीफाइड. वेल डन गाइस, इसके साथ में फीलिंग भी आएगी, मुझे बहुत डर लग रहा है, आई एम पेट्रीफाइड टुडे. ओके, वेल यू कैन से आई एम शेकन. क्या बोलना है आपको? आई एम शेकन. द लास्ट वर्ड है जो हमारा स्केयर्ड को आप बोल सकते हैं, लेट्स कॉल आई एम अफ्रेड. क्या बोलना है आपको? I'm afraid. आपको इसको afraid नहीं बोलना है. Make sure guys, आपको pronunciation improve करना है. Thank you so much guys. That's it from my side. आज के lesson में हम लोग ने सीखा कुछ नए words, जिसको use करने से आपकी वो caps और improve हो सकती है. ठीक है. So guys, अगर आपको मेरा video पसंद आया हो, तो please मेरे video पे comment करें. और अगर आपने मेरा channel subscribe नहीं किया है, so please मेरे channel को subscribe करें. Okay, fine. तो आपको इस तरह के और videos अगर जरूरत हो, so you can just check it out. आप check कर सकते हैं, हमारे और videos हैं. मैं आपके लिए और वीडियोस बनाता रहूंगा. ओके गाइस, थैंक्स अ लॉट.